बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। रांची के चूटिया थाना क्षेत्र में स्टेशन रोड स्थित होटल में की गई छापेमारी में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। सिटी डीएसपी के नेतृत्व में की गई छापेमारी में 9 लड़कियों को हिरासत में लिया गया है। सभी को महिला थाना क्षेत्र भेज दिया गया है। हिरासत में ली गई सभी लड़कियां पश्चिम बंगाल की रहने वाली है। लड़कियों के पता का पुलिस सत्यापन में जुटी है। रॉयल रेसिडेंसी में छापेमारी की गई है। रांची के अरगोड़ा चौक के पास ये तस्वीर देखने को मिली है। होटल मौर्य से 2 लड़की समेत 3 गिरफ्तार हुए थे 17 जून को, और होटल में ये देह व्यापार चल रहा था। 2 जून की बात करें तो 2 जून को भी रांची के लालपुर में छापेमारी हुई थी, और यहां भी बैंबू रफा सेंटर से 8 युवती और 6 युवक को गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार युवतियां थाईलैंड, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और रांची की बताई गई थी, और इस दौरान स्पा के मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। 3 मई की बात करें, रांची स्टेशन रोड से 2 होटल में छापेमारी हुई थी। 8 से अधिक युवतियों को गिरफ्तार किया गया था। दोनों होटल्स के मैनेजर और कर्मचारी भी गिरफ्तार हुए थे। 2 अप्रैल को रांची के सदर थाना क्षेत्र से 10 सेक्स रैकेट वर्कर्स और के साथ साथ अन्य लोग गिरफ्तार हुए थे। बरियातू के ब्यूटी पार्लर से भी 4 लड़कियां गिरफ्तार हुई थी। 3 बांग्लादेश और 1 युवती बंगाल की रहने वाली है। वहीं आज की तस्वीरें आप देखिए, स्टेशन रोड राजधानी रांची की तस्वीरें हैं, जहां रॉयल रेसिडेंसी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। 9 युवतियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पते का पता लगा रही है पुलिस और जांच पड़ताल में जुटी हुई है कि आखिर ये सेक्स रैकेट कब से वहां पर चल रहा था, इसके तार किन से जोड़कर देखे जा रहे हैं। बड़ी पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई थी, उसका सत्यापन के क्रम में होटल रेसिडेंसी में, रॉयल रेसिडेंसी में छापामारी की गई है। उसमें जांच अभी चल रही है। कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। जांच के बाद अग्रतर जो भी कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। सेक्स रैकेट की बात चल रही थी, उसमें कुछ महिलाएं हैं, उनको अभी ले जाया जा रहा है यहाँ से। उसके बाद उनका सत्यापन क्रियाकलाप गतिविधि की जाँच की जाएगी, उसके बाद अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। राजधानी रांची में सेक्स रैकेट को लेकर के लगातार रांची पुलिस की दबिश जो है वह देखने को मिल रही है। एक बार फिर से रांची के स्टेशन रोड स्थित एक होटल पे छापेमारी की गई, जिसमें से 7 लड़कियों को जो है डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जाएगी। लेकिन उनके द्वारा जो जानकारी दी गई उससे यह मालूम चला कि कई दिनों से ये लोग जो है होटल पे ही रुके हुए थे, और ये सामान इस चीज को बताने के लिए काफी है कि कई लंबे समय से होटल में रह करके देह व्यापार में लड़कियां जो शामिल थी। जिसके बाद रांची एसएसपी को मिले गुप्त सूचना के आधार पर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू की गई है, जाँच किया गया। जाँच के क्रम में जो लड़कियां हिरासत में लिए गए हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ इस पूरे लिंक को भी खंगाला जा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बाहर की लड़कियों को राजधानी रांची में ला करके देह व्यापार में धकेला जा रहा है। कैमरामैन संजय के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।